मम्मी दोनों, और ये इधर बैठा है आयकर। यहाँ पर बैग रखे है। I love Goa। थोड़ी ना कोई बेकिंग ना सोते जाइस चो आई दिस बार को सो गाइस देखिए अभी हम जा रहे हैं नेत्रावती रहते हैं तो नेत्रावती एक्सप्रेस में तो हम लोग आपको जाकर दिल्ली दिखाएंगे उधर का व्यू। ये गोवा आप देख गाइस देखिए डुकर केना गला रे वाला भीतर पलाला तो रहते में ऑटो में आउस के सुनना रे सो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी काना मुर्देश्वर को तुई आई हो मुर्देश्वर क्या करने घूमने तो हम लोग जाएंगे सुबह घूमने के लिए। अभी तो कितना टाइम हुआ चार बजने को 20 मिनट है और हम लोगों का ट्रेन अभी 4:30 बजे पहुँचे तो अब जाएंगे हम लोग होटल के पास। हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ वो सब अच्छे होंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को पिछले वीडियो देखी थी कि गणपति के लिए मैं कहाँ बाहर जाऊँगा आप लोगों को उधर का व्यू दिखाने के लिए लेकिन मैं आई हूँ। सो गाइस हम आए हैं मुर्देश्वर। सो गाइस हम आए हैं मुर्देश्वर तो मैं पहली बार ये नाम ले रही हूँ और जब लग रहा है तो हम लोग रूम भी ले लिए हैं। देखिए ये है रूम और ये दोनों इधर रात को टाइम कितना हुआ 4:15 को देखिए ये लोग चिप्स खा रहे हैं और हम लोग तो अब सोएंगे क्योंकि हम लोग ट्रेन में सोए ही नहीं बहुत गर्दी था और बैठे बैठे आए और गोवा से कर्नाटक आने के लिए हम लोगों को तो 4 घंटा लग गया तो मैं रूम का ब्लॉग बना नहीं पाई। अभी घर से निकली तो रूम का भी की ट्रेन का भी नहीं बना पाई क्योंकि बारिश इतना हो रहा है कि कहाँ वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए हम सुबह जाएंगे तो आप लोगों को रूम दिखाती हूँ। अभी रात हो गया है तो हम लोग थोड़ा सो जाते हैं सुबह उठेंगे सुबह जाएंगे तो सुबह मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी देखिए रात को 5 बजे इसको भूख लगा तो चिप्स लेके आई थी तो चिप्स निकाल के खा रही है और इस डब्बा में मैंने लाई थी बिस्किट और हम लोग होटल में ही खाएंगे। तो ये देखिए ये लोग खा रहे तो बताओ हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग मुर्देश्वर आए हैं और ये गोवा से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर है। मुर्देश्वर आया है भगवान मुर्देश्वर शिव भगवान दर्शन को दर्शन करने के लिए आया है।
गोवा से बहुत नजदीक है और गोवा से लगभग 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम बाय 4 घंटे लगा बाय ट्रेन में 3 घंटे का रास्ता। और यहाँ का शिव जी का मूर्ति जो है यहाँ पे 123 फीट का है और वो पूरा भारत प्रसिद्ध है। आप मोबाइल में न्यूज़ में पेपर पे कहाँ पे भी देखे रहेंगे, ये मूर्ति जरूर देखे रहेंगे। यही वो एक प्रसिद्ध जगह है वो भगवान शिव का, जो समुद्र का ऐसा देखेंगे तो आपको समुद्र का बीच में वो भगवान शिव को यहाँ पे प्रतिष्ठा किया हुआ है, बनाया हुआ है ऐसा। और यहाँ पे घूमने के लिए दो ही जगह है, एक तो टेंपल और एक समुद्र। हाँ, वही मुरुडेश्वर टेंपल है और भगवान शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे 123 फुट का, वही देखने के लिए हम लोग आए हैं और सुबह जाएंगे। अभी फिलहाल तो रात में यहाँ पे पहुँचे, अभी पहुँचने के बाद होटल में बुक करके अभी थोड़ा आराम किया, फ्रेश हो गए, बहुत भूख लग रहा था तो मैं चिप्स खा रहा हूँ, बच्चे लोग भी चिप्स खा रहे हैं, थोड़ा चिप्स। और हमने बिस्किट भी लेके आई थी क्योंकि मैं मुझे पता है बच्चे आ रहे हैं तो उनको तो भूख लगेगा, तो वहाँ पे देखिए बिस्किट का डब्बा मैं रखी हूँ। और यहाँ पे चिप्स का एक लेके आई थी तो वही खा रहे हैं ये लोग, और मैं थोड़ा टाइम लेटी हूँ क्योंकि मुझे बैठे बैठे कमर दुखने लगा है, तो सुबह जाएंगे। ऐ क्या बोलना चाहेगी, कितना दिन हॉलीडे, स्कूल 2 दिन हॉलीडे है, मेरा 2 दिन हॉलीडे है, मेरा कंपनी का 2 दिन हॉलीडे है, बच्चों लोग का स्कूल पूरा 7 दिन एंजॉय, ये लोग तो मजा लगे, मैं थोड़ा कम मजा लूंगा। और मैं तो साल भर मजा लेते ही रहता हूँ, नहीं घर में बैठने का खाने का सिवा कुछ तो काम होगा नहीं। देखिए गाइज मुझे क्या ये अपमान कर रहा है, साल भर मजा लेती, मैं तो बोलती हूँ मैं जाती हूँ जॉब के लिए करके, मुझे जॉब करने ओ, ओ, सब क्लीन है, अच्छा लगा ऐसा नहीं, लेकिन रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा बच्चे आए हैं ना तो पैसा को नहीं देखेंगे, इनको एंजॉय करना चाहिए, इनको अच्छा रूम में रखना चाहिए। आप क्या में रख दी, इन्हें रख दी नहीं, मैं आज का वीडियो इतना तक ही रखूंगी क्योंकि मैं आप लोगों को कल जाऊंगी ना, तो कल आप लोगों को वो टेंपल दिखाती हूँ। और इधर एक बेड है, ये सिंगल बेड है और ये डबल बेड है, ये डबल बेड है तो मिला के ट्रिपल बेड हो गया है, तो इस बेड में एका कर छू। सो गाइज आज का वीडियो यही एंड कर रही हूँ, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जो नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या कर